राम राम। मैं अपने देश के मिस्र, अगर आप अपने पार्टनर का साथ नहीं दे पा रहे हैं, अस्तंभन शक्ति में कमी हो गई है, मर्दाना शक्ति में कमी हो गई है, पौरुष शक्ति में कमी हो गई है, नपुंसकता के शिकार होते जा रहे हैं, तो एक ऐसा प्रयोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। यह आप कर देंगे सहवास से पूर्व, अपने शिष्य पर इसको लगा देंगे, उसके बाद से आपके अंदर पौरुष शक्ति में जो कमी है वो खत्म हो जाएगी। इसमें सिर्फ घी की आवश्यकता है, घी आपको शुद्ध चाहिए। गाय का घी मिल जाए शुद्ध, तो देसी या गांव का हो जाए तो बहुत अच्छा है, आप उसको मंगा लीजिएगा। आप चाहे तो किसी पात्र में रख लीजिएगा या जिस बर्तन में आप लाए हैं उसी पात्र में रख लीजिएगा। और मैं जो एक एक स्टेप बता रहा हूँ उसको बारीकी से सुनिएगा, समझिएगा और पूरा वीडियो अंत तक देखना है। कोई भी प्रयोग करने से पहले अपने इष्ट का आस्मरण आपको करना है, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करना है। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके कोई भी प्रयोग करेंगे आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और हाँ, यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं तो बिल्कुल परेशान ना हो। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके यह प्रयोग करें, आपको सफलता मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और इस रिप्लाई में मैं आपको हर्ट का सिंबल या साइन देता हूं, तो आप समझ जाएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकती हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने सभी सामग्रियों को इकट्ठा किया है और आप किसी पात्र में उसको रख लिए और उस पात्र को अपने बाएं हाथ पे आपको रखना है, लेकिन इससे पहले अपने हाथों को खूब रगड़ना है। 5 से 7 मिनट तक आपको रगड़ना है, तब तक रगड़ना है जब तक ये पूरा हाथ हथेली गर्म ना हो जाए। और साथ में आप यह भी सोचिएगा कि मैं इस प्रक्रिया से ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ रहा हूँ। उसके बाद जब हाथ हथेली आपकी गर्म हो जाए तो आपको उस पात्र को लेकर के अपने बाएं हाथ पे रख लेना है। मैं आपको उदाहरण दे करके समझा रहा हूँ। मान लीजिए इस पात्र में मैंने सभी सामग्री को इकट्ठा कर ली, हालांकि ये पात्र बिल्कुल खाली है, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। इस पात्र में आपने सभी सामग्रियाँ रख लिया और उसको अपने लेफ्ट हैंड पर आपने रख लिया, ठीक है। उसके बाद अपने उंगलियों को, जो दाहिने हाथ की उंगलियां हैं, जो ऐसे इसके थोड़ा सा अंदर नहीं डालना है, आपको सामग्री से टच नहीं करना है, ऊपर ही रखना है आपको। और यह सोचना है कि आपकी इच्छा शक्ति इसमें जा रही है, जो आपका कनेक्शन है ब्रह्मांड से, जो ईश्वरीय शक्ति है, वह आपके भीतर होकर के इसमें जा रही है। और वीडियो के सामने आप करेंगे और आप यह कल्पना करेंगे कि मेरे माध्यम से भी जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, जो ईश्वरीय ऊर्जा है, तो यद्यपि एनर्जी मेरी नहीं है, मेरे गुरुदेव की, फिर उनके गुरुदेव की, फिर उनसे एक तरह से क्रम बना हुआ है ब्रह्मांडीय लेवल से ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने के लिए, वह एनर्जी इसमें जा रही है, ऐसा कल्पना करना है। 2-3 मिनट तक ऐसा करना है। उसके बाद उस सामग्री को किसी अच्छे जगह पे, आप चाहे तो किसी पात्र में भर करके प्रयोग कर रख दें। उसके बाद उस सभी सामग्रियों को किसी साफ जगह रख दें, किसी बर्तन में चाहे शीशी में चाहे जिसमें इच्छा हो आप रख दीजिए, और उसके बाद ही इसको प्रयोग में लाना है। एक बात आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि तमाम बहनें हैं, भाई हैं, माता लोग हैं, हमसे संपर्क करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें, न कि फ़ोन कॉल का प्रयोग करें। आपने घी ला दिया, सारी प्रक्रियाएँ पूरी कर ली और उसके बाद पार्टनर से संबंध बनाने के पहले 1 घंटा पहले अपने शिष्य पर एक रत्ती मालिश करके लगा करके आप सहवास करेंगे तो आपके अंदर अस्तंभन शक्ति में वृद्धि हो जाएगी, पौरुष शक्ति में वृद्धि हो जाएगी और
और नपुंसकता कभी नहीं आएगा। अपने आप में बहुत चमत्कारिक और अस्तारित प्रयोग है, आज माँ के देखिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से जुड़ी किसी समस्या का समाधान आप हमसे करवाना, तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। राम राम।